उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त 2021 के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। ये जानकारी इतनी अच्छी है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर स्कोर करने में काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। तो यहाँ वीडियो को थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा और इस पर जो आपको बिंदु बताए जाते हैं उन पर थोड़ा अमल कीजिएगा ताकि आपके रिजल्ट में, आपके एडमिशन में और भविष्य में कोई आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो आपको गलतियाँ हैं वो कैसे आप इनसे बचें, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी जो हैं कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, तो उनमें से 4 गलतियों को हमने जो है हाईलाइट किया है। दूसरी बात है कि लैंग्वेज चॉइस, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश या इस तरीके की जो लैंग्वेज हैं उनमें से आपको कोई भी लैंग्वेज एक चुननी है जिसके 50 क्वेश्चंस आपको सरल करने हैं। दूसरा है वर्ग, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म के टाइम पे जो है थे वो आर्ट वर्ग के, वो साइंस वर्ग भरा गया उनका, या साइंस वर्ग के थे तो आर्ट वर्ग भरा गया, कॉमर्स वर्ग, मतलब इस तरीके से जो उनका ग्रेजुएशन में वर्ग नहीं था उसमें चेंजेस किया गया, तो उनकी समस्या को लेकर के यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूँगा। तो ध्यान से देखेगा, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अच्छे तरीके से बननी है, एग्ज़ाम में जो है 1 घंटा आप पहले पहुँचेंगे, 1 घंटा आप पहले पहुँचेंगे, इससे क्या होता है कि आपका जो संतुलन है वो बिल्कुल बना रहेगा। यदि आप हड़बड़ी में तय समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं भागा दौड़ी में, तो आपके जो दिमाग में व्यवस्थित तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने पढ़ा हुआ है वो ठहरा हुआ होता है, तो वो आपका एक तरीके से उड़ जाता है, तो यहाँ एग्ज़ाम्स में आपको परेशानी बन जाती है। तो यहाँ 1 घंटा पहले पहुँचें और पहले पहुँचने के बाद आप जो हैं पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें, अर्थात इस टाइम पर आप न पढ़ें। 1 घंटा आपको जो है अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, बिल्कुल पढ़ना नहीं है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। आपने जो भी तैयारी की है, कम है या ज़्यादा हो, ये मान करके चलिएगा कि आपने अच्छी तैयारी की है। दूसरा जो स्टैंडर्ड है इसमें आपको जो है जाते ही एग्जाम सेंटर में बैठना है, उससे पहले अपनी जो सामग्री है उसको एक बार आप चेक कर लेंगे अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। तो कॉलेज में एंट्री लेने से पहले आप जो है सामग्री चेक कर लेंगे, पैन, आईडी या इस तरीके के जो आपसे फ़ोटो वगैरह या एडमिट कार्ड वगैरह जो भी कुछ आपसे मांगे गए हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर करके फिर आप जो है एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद आप जो है ओएमआर में जो है सबसे पहला काम होता है कि आपको जो है ओएमआर बांटी जाएंगी। एग्जाम शुरू होने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही आपको दे दी जाएगी, आपको जो है एंट्री भरनी है। ओएमआर में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, यहीं से आपका जो है रिजल्ट जो है रुक जाता है यदि ओएमआर में आप जो है कुछ गलती करते हो। इसमें क्या है कि गोले भरने होते हैं, गोले आप जो है सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से, पहले गोलों के ऊपर जो है कुछ नंबर दिया जाता है, 1, 2, 3, 5 इस तरीके से, जैसे आपका रोल नंबर ये है तो आपको जो है उसी के अनुरूप जो है 5 नंबर वाला गोला ही भरना है, 7 नंबर वाला गोला ही भरना है, इस तरीके से पूरे ध्यान से दे करके पहले आपको अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड में देख देख के अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ें भरवाई जाती है या नाम वगैरह आपका, तो वो भरना है। और जिस चीज़ का आपको पता नहीं है उसको प्लीज़ जो है खाली छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब आपका जो निरीक्षक है जो आपके सेंटर में है, आपके कक्ष में है, उससे आप पूछेगा कि इसमें क्या भरना है और कैसे भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्स में आपको जो है टाइम बहुत दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 3 घंटे यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये ऐसे हैं ये हल नहीं करने हैं, ये हल नहीं करने हैं, तो इनमें टाइम जो है आपका बचा रहता है। आमतौर पर पेपर जो है वो 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है, कि 90 से 100 मिनट में ये पेपर हो जाता है, बाकी के आपके जो है 70 से 80 मिनट जो है आपको जो है ठाली तरीके से बैठने में ही लग जाते हैं, या और इधर उधर की बातें आप जो हैं यहाँ पर शोरगुल कर लेते हैं, क्योंकि पेपर का जो सही समय है वो यही है कि इतनी देर में आसानी से पेपर हो जाता है,
कोई सॉल्यूशन आपको नहीं करनी है, तो OMR में बिल्कुल गलती ना करें। अब चौथी बात है आपको पेपर को लेकर के, कि पेपर हल कैसे करें। अब पेपर हल करने की जो तकनीकी है वो यही है कि इसके जो हैं चार प्रकार की टेक्निक यहाँ पर अपनाई जाती है पेपर हल करने में। सबसे पहले आपको जो है पेपर को सही ढंग से देख लेना है। सही ढंग से देखने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो है कुछ बुकलेट मिलेगी, उसमें 20 से 25 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे आसानी से, तो वो आपको देख लेने हैं एक एक पेज गिन करके कि बीच का कोई पेज वगैरह कुछ गायब तो नहीं है, ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं, पहले अपनी लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपने क्या लिया हुआ है, तो ये जो है आपको OMR में भी भरनी है लैंग्वेज, तो इसको भी अच्छे ढंग से जो है आप भरोगे। सपोज कीजिएगा आपने लैंग्वेज ली है हिंदी, तो हिंदी के क्वेश्चंस आप देखिएगा कहाँ से शुरू होते हैं, तो उस पार्ट को खोलिएगा। और हिंदी में जो आपको सबसे तरीका जो है वो होता है आपका सॉल्व करने का, आसान से आसान क्वेश्चंस जो आपको याद हैं, सबसे आसान क्वेश्चन जो आपको याद हैं वो सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि आपको जो है आपने पढ़ाई की हुई है लेकिन क्वेश्चंस की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको सही तरीके से याद नहीं है क्वेश्चंस, उसके दो विकल्प में से आपको संशय बन रहा है, तो दो विकल्प वाले क्वेश्चंस आप यहां पर कीजिएगा। उसके बाद दो विकल्प में करने के बाद आपको जो है तीसरे नंबर पर, यदि आपको तीन या चार विकल्प में या ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस का सही आंसर हो सकता है या इसे भी कर दूं, क्योंकि यहाँ जो आपका जो टाइम्स है वो 100 मिनट तो आपकी हो जाती है इस पेपर को सही तरीके से करने में, 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वे जो 80 मिनट हैं वे आपको जो है परेशान कर देती हैं। वो ये परेशान क्यों कर देती हैं आप समझिएगा, जब आप खाली बैठ जाओगे तो आप बार बार उस पेपर को जो है देखोगे, साइड वाले का देखोगे, आगे वाले का देखोगे, पीछे वाले का देखोगे, तो उसको देख करके आप कोशिश ये करोगे उसने सी लगाया है या उसने बी लगाया है, ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है तो मैं इसको ये लगा लूँ, तो देखिएगा वो तरीका गलत है। OMR में प्रत्येक सवाल का प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए नंबर जो है अलग अलग दिया जाएगा, ABCDE इस तरीके से सीरीज में बटी हुई होती है, तो आगे पीछे बराबर वाले की OMR को देख करके निशान ना लगाएं, ठीक है। तीसरे कंडीशन में ये है कि OMR किसी और की अन्य की देख करके आप जो है टिक्स मार बिल्कुल ना करें, आप जो है ज़्यादा क्वेश्चंस हल ना करें। ज़्यादा का मतलब ये है कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको आते तो नहीं है, आते तो हैं यहाँ पर 70 क्वेश्चन केवल आसान वाले, और आप जो है चलिए 10 क्वेश्चंस ऐसे भी लगा लेते हैं जो अपने दो विकल्प वाले भी लगा लिए, तो 80 क्वेश्चंस हो गए, तो 20 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है भारी भरकम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यही कारण है कि 80 मिनट बचे हुए होते हैं और अभ्यर्थी सहज सहज में या धीरे धीरे कर करके अपने सारे क्वेश्चन जो है लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो है उनको फिर नेगेटिव मार्किंग की जो दिक्कत है वो झेलनी पड़ती है और स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये पेपर सॉल्यूशन का मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पेपर हो जाता है तो उसके 2 घंटे के अंतराल के बाद आपको जो है सेकेंड पेपर के लिए आना है, इसमें भी वही तरीके का है, 3 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे, 50 रीजनिंग से आएंगे, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ी परेशानी बन जाती है कि पेपर टू में आकर के क्या हो जाता है कि पेपर टू में जो है एक पार्ट आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसके 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन हैं ये आपकी जो है अकेला पार्ट ही 100 मिनट ले जाता है, 100 मिनट यहाँ पर खर्च हो जाती हैं, बाकी आपके पास 80 मिनट बचती हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि पहले आप जो है अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट करें, अब पहले आप जो है अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट करें, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको हल कर लें, ठीक है, उसको देने के बाद आपके जहाँ तक मेरी संभावना है 30 से 40 या 40 से 50 मिनट में आपका ये आसानी से हो जाएगा 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका टाइम बन जाता है लगभग 2 घंटे का आपके पास टाइम है, तो वो पूरा का पूरा टाइम आप जो है फुल रीजनिंग के लिए दे सकते हैं, इसमें आसानी से ये कवर हो जाता है, और आपको जो है यहाँ पर पहले वाला पार्ट भी हो जाता है आपका सब्जेक्ट वाला भी और आपका रीजनिंग वाला भी, इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हल करने के बाद आपको जो है जमा जो करनी है ये, तो उसमें क्या करें
कि आपको जो है स्टूडेंट कॉपी को यहाँ पर फाड़ करके अपने पास रख लेना है। ओ एम आर आपको तीन रूप में मिलेगी, स्टूडेंट कॉपी होगी, कॉलेज कॉपी होगी और आपकी जो मेन ओ एम आर है जो आपकी चेक होने के लिए आएगी वो। तो उसके पीछे ही दो कॉपियाँ लगी होंगी, उसमें से आप जो है दोनों को फाड़ करके एक कॉलेज के पास जमा हो जाएगी और एक आपके पास रह जाएगी, उसको लेकर के आएंगे। ठीक है। और पांचवा नंबर ये है कि आपको जो आपने भी आपका पेपर दिया है, आपने जो भी तैयारी की हुई है उसको लेकर के अच्छी मान करके आप जाइएगा, और व्यवस्थित तरीके से यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है पहले ही उसका निदान कर लें, क्योंकि यदि एग्जाम सेंटर के बीच में आपको कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आपका एग्जाम्स अच्छा नहीं होगा और दोनों पेपर आप जो हैं देंगे। तो इस तरीके से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स 2021 की 6 अगस्त की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आपको टिप्स देने का प्रयास किया गया है। कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के पेपर का। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।